क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय पी एक्स इक्वल टू 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर। ये प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट ये इस पॉइंट पे कमा सकता है उसको देखेंगे हम लोग। पी डैश एक्स पहले फाइंड करेंगे, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस 72 माइनस 36 एक्स। फिर पी डबल डैश फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 36 एक्स, ये नेगेटिव आया है मतलब मैक्सिमा तो निकलेगा, ठीक है। हमको मैक्सिमम प्रॉफिट ही फाइंड करना है तो हम इस पर ज़ीरो से कंपेयर करेंगे, पी डैश एक्स इक्वल टू माइनस सॉरी ज़ीरो लिखेंगे यहाँ पे, माइनस 72 माइनस 36 एक्स इक्वल टू ज़ीरो, माइनस 36 एक्स इक्वल टू 72, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 72 अपॉन माइनस 36 हो जाएगा माइनस 2। तो एक्स इक्वल टू माइनस 2 पे ये मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो माइनस 2 यहाँ पे पुट करेंगे, पी माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 41 माइनस 72 इंटू माइनस 2 18 माइनस 2 स्क्वायर, तो 41 प्लस 144 माइनस 68 4 72 हो जाएगा ये। तो ये 41 प्लस 72 इक्वल टू 113, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है। सपोज कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3x4 माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 to 3, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48, ठीक है। अब इसको ज़ीरो से कंपेयर करेंगे तो 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48 इक्वल टू ज़ीरो। इन सबको हम 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 12 कॉमन आ रहा है, यह आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ बचा x माइनस 2, इन दोनों में 2 कॉमन है यहाँ पे बचा x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू जब 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस माइनस रूट 2, तो यहाँ नेगेटिव में आ जा रहा है, इमेजिनरी नंबर हो जा रहा है तो ये नॉट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 आ गया, ये जो 2 है वो 0 और 3 के बीच में आ रहा है। अब तीन पॉइंट आ गया है 0, 3 और 2, इस पर चेक करेंगे कहाँ पर मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमको मिल रहा है। एट x इक्वल टू 0 एफ 0 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 0 टू द पावर 4 माइनस 8 0 टू द पावर 3 12 0 टू द पावर 2 48 इंटू 0 प्लस 25।
जहाँ जहाँ भी जीरो जीरो हो जाएगा बचेगा 25। फिर पुट करेंगे 2 एट एक्स इक्वल टू 2। एफ 2 इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 12 इंटू 2 स्क्वायर प्लस माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। तो इसका आंसर आएगा 16 इंटू 3 48, 88 या 64, 48 माइनस 96 प्लस 25। 48 प्लस 48 96 होता है और ये माइनस 96 है, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएगा। 25 माइनस 64 कितना हो जाएगा 93 माइनस 39। ठीक है, अब 3 पे चेक करेंगे। एफ 3 इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 3, 3 इंटू 3 टू द पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 क्यूब प्लस 12 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। ये आ जाएगा 81 इंटू 3 243। 27 इंटू 8 कितना होगा 87 या 56, 5 कैरी 8 टू 16 प्लस 1 216, तो आया 216। फिर 9 टू जा 9 टू जा 18 108। 48 3 जा 3 8 जा 24, 2 कैरी 144 प्लस 25। अब 243 से 216 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 437 227 आया, और 108 से 25 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 133 माइनस 144। तो 27 133 में 144 माइनस में तो माइनस 11 बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमको 25 मिला है 0 पे, और सबसे मिनिमम वैल्यू हमको मिला है माइनस 39 2 पे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ। देयरफोर मैक्सिमम वैल्यू इज 25 एंड मिनिमम वैल्यू इज माइनस 39।